जय हिंद, स्वागत है आप सभी को रेम्स मैथ क्लासेस में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रीडिसेजर, है ना। प्रीडिसेजर का मतलब होता है पहले की संख्या, मतलब पहले की संख्या, अर्थात कोई भी नंबर दिए हुआ है उसके जस्ट पहले कौन सी संख्या आती है वह निकालने के प्रोसेस को हम लोग सीखेंगे, है ना। सबसे पहले हम कुछ नंबर्स लिखते हैं और उसके पहले समझते हैं कुछ नंबर्स पहले आता कौन है, ना। जैसे हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से हम लोग डॉट 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 अनंत तक चले जाते हैं। यह क्या है, तो गिनती की संख्या। 1 से पहले क्या आता है, 0, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये नंबर लिखते हैं और इस संख्या में हम लोग समझते हैं कि किसी भी नंबर के पहले आखिर है कौन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, तो 4 है, और 4 से पहले क्या है, तो 4 से जस्ट पहले क्या है, तो 3 है, है ना। अगर डायरेक्ट कोई 4 दे दे और 4 से पहले वाले नंबर अगर लिखने के लिए बोले तो क्या करना पड़ेगा, 3 को लिखना पड़ेगा, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, 3। जैसे यहाँ पे 7, 7 से पहले क्या है, तो 6 है, है ना। तो अगर कोई 7 बोलेगा और 7 से पहले लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, 10 है, तो 10 से पहले क्या है, 9 है, है ना। और 9 से पहले 8 है। इस तरह से कोई भी नंबर अगर दिया रहेगा और उसके पहले वाले नंबर अगर हम लोग को बोलेगा लिखने के लिए तो वह कैसे निकालते हैं, यही चीज सीखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे प्रीडिसेजर दिया है, मतलब पहले वाली संख्या। जैसे 4 है, तो 4 से पहले 3 है, है ना। 7 से पहले 6 है, है ना। 8 से पहले 7 है, 7 से पहले 6 है, 6 से पहले 5 है। तो इस तरह से अगर कोई भी नंबर दिए हुआ रहेगा और उसके पहले की संख्या जो निकालना रहता है उसको हम लोग आज समझेंगे। यहाँ पे ये सभी देखने से यह पता चला है कि पहले वाली संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर जो नंबर दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। मान लो कि 4 में से अगर 1 को माइनस करते तो 3 आ जाएगा, है ना। 4 माइनस 1, तो 3। इस तरह से यहाँ से यह कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि कोई भी नंबर अगर दिया रहेगा उसमें से माइनस 1 करेंगे तो क्या आता है, उसके पहले का नंबर। जैसे 7 है, 7 में से 1 माइनस किए तो 1 माइनस करने से क्या आ गया, 6, और 6 क्या है, इसके जस्ट पहले वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग सीख गए हैं कि पहले वाले नंबर जो लिखना रहेगा उसमें क्या करेंगे, तो 1 माइनस करेंगे, और 1 माइनस करने से जो संख्या आती है उसी को हम लोग प्रीडिसेजर बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ नंबर्स लेते हैं और उसमें ये समझते हैं। फाइंड द प्रीडिसेजर ऑफ दीज नंबर्स, मतलब यहाँ पे जो ये संख्या लिखी हुई है इसके क्या करना है, प्रीडिसेजर लिखना है, ना। तो प्रीडिसेजर अभी हम लोग क्या समझे हैं कि जो नंबर दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, तो 1 माइनस करते हैं, है ना। जैसे 6 है तो इसके पहले 5 है, तो ये 4 है तो ये 7 के पहले, है ना, 9 के पहले, 8 के पहले, तो ये सब के सब पहले वाले नंबर लिखना है। क्या प्रीडिसेजर निकालना, तो प्रीडिसेजर जो ही निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, उसमें 1 माइनस। जैसे 6 है तो 6 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या निकलेगा, जैसे 6 है माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो इसके पहले के नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। इस तरह से इस फील्ड को हम लोग भर सकते हैं। यहाँ पे 5 है, 5 के पहले के नंबर लिखना है जिसमें 1 माइनस करेंगे, 4 हो जाएगा। 9 है तो 9 से पहले क्या आता है, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा, तो इसमें 8 आ जाएगा, है ना। इस तरह से किसी भी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, प्रीडिसेजर निकाल सकते हैं। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, है ना। 7 के पहले लिखना है तो 7 माइनस 1, तो 6 होगा, तो 6 को फिलअप करेंगे, है ना। यहाँ पे 8 है तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो इसमें 7। इस तरह से कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उसका हम लोग प्रीडिसेजर निकाल, इसी को हम लोग बोलते हैं बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले वाली संख्या, है ना। तो अभी हम लोग ये सीख गए हैं कि किसी भी नंबर को अगर प्रीडिसेजर बोले, या इसको हम लोग ये भी समझ सकते हैं बिफोर, है ना। बिफोर मतलब क्या हुआ,
पहले वाली संख्या है ना, बिफोर मतलब पहले वाली संख्या, तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग लिखते हैं कि स्टेप वन मतलब कोई भी नंबर अगर दिया हुआ रहेगा और उसका बोलेगा प्रेडिसेसर निकालने के लिए, तो प्रेडिसेसर निकालने के लिए क्या करते हैं, वन माइनस करते हैं, है ना। तो मतलब दिए गए नंबर में से क्या करेंगे, वन माइनस करेंगे। तो दिए गए नंबर में से वन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कैसे करने के लिए, तो प्रेडिसेसर निकालने के लिए, प्रेडिसेसर निकालने के लिए क्या करेंगे, वन माइनस करने पर निकल जाएगा। जैसे सिक्स है, सेवन, नाइन, एट, ये सबके सब नंबर दिए हुआ, इसका क्या करना है, तो प्रेडिसेसर निकालना है। अभी हम लोग समझ गए कि प्रेडिसेसर मतलब पहले की संख्या निकालना रहता है, तो पहले की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दिए गए नंबर में वन माइनस कर। तो यहाँ पे नंबर कौन सा दिया गया हुआ है, तो सिक्स, और सिक्स में वन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फाइव आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो सेवन दिया हुआ, सेवन में से अगर वन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सिक्स आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो नाइन दिया हुआ है, और नाइन में से वन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो एट दिया हुआ, और एट में से वन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सेवन आ जाएगा। इस तरह से कोई भी नंबर अगर दिया रहेगा और उसका प्रेडिसेसर अगर निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वन उसमें माइनस करेंगे, और माइनस करने से जो नंबर आती है उसी को उस नंबर का प्रेडिसेसर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टेप टू में। जब नंबर दो अंकों या दो अंक से अधिक का हो, है ना, तो उसके इकाई अंक में से वन माइनस करते हैं। स्टेप टू में क्या करते हैं, स्टेप टू में जब संख्या दो या दो अंकों से अधिक का हो, जब संख्या दो या दो से अधिक अंकों का हो तो इकाई अंक में से वन माइनस करते हैं। तो अभी हम लोग क्या चीज सीखे हैं कि जो प्रेडिसेसर निकालना रहता है उसको करते क्या है, तो माइनस ही करते हैं। लेकिन नंबर जब दो या दो से अधिक अंकों का दिया रहेगा और उसके प्रेडिसेसर निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर दिए उसके इकाई अंक में से माइनस करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे खाली जगह है ना, यहाँ पे 421 दे दिया, है ना, ये खाली जगह है, ये 56 है, खाली जगह 400, खाली जगह 391, खाली जगह 432, ये नंबर दिए हुए दो या दो से अधिक अंकों का है, है ना। और इसमें क्या करना है, इसका प्रेडिसेसर निकालना है, तो पहले वाली संख्या निकालना है। पहले वाली संख्या जब निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, वन माइनस करते हैं, और जब दो या दो से अधिक अंक का रहता है तो इकाई अंक से माइनस करना। तो ये 421 है ना, और इसके पहले का नंबर लिखना है। जब इसमें पहले का नंबर लिखना है तो इसमें क्या करेंगे, इकाई अंक में समय, जैसे ये 421, इसका इकाई अंक क्या है, वन है, तो वन के सामने लिख कर और वन माइनस करेंगे, है ना। तो वन में से वन गया था जीरो, और टू का टू, और फोर का फोर। इस तरह से इसके पहले का नंबर क्या बना, 420, मतलब 420, और ये 421। इस तरह से दिए गए नंबर को हम लोग प्रेडिसेसर निकाल सकते हैं, या पहले वाली संख्या ज्ञात कर सके। यह दो अंकों में है, तो दो अंक में भी नंबर दिए गए थे, किस में से माइनस करेंगे, इकाई अंक।
तो यह 56 है, 56 के इकाई में से माइनस करें 6 में से 1 गया तो 5, और ये 5 का 5 मतलब 55। 400 है मतलब 4 अंकों की है, 3 अंकों की है। और इसमें क्या करना है, पहले वाली संख्या लिखना, पहले वाली संख्या लिखना है तो इसमें से कितना माइनस करते हैं, तो 1 माइनस करते हैं। 400 है, इसमें क्या करेंगे, माइनस 1 करेंगे। ये इससे 1 लिया, फिर ये इसको दिया तो 10 में से 1 गया तो 9, और यह क्या हो गया 9, और ये 3। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 399। इस तरह से कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उसके प्रेडिसेसर को हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे 391 है तो 391 है ना, और इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 093 है ना, यहाँ पे 390। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर के पहले वाली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे इकाई में से, इसमें से जो है 1 माइनस करेंगे तो 1 बन जाएगा, तो 43 और 2 है तो 1 माइनस हुआ तो 1। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे 39 का 39 रहेगा और इसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो ये 8 बन जाएगा। इस तरह से किसी भी दिए गए अंकों संख्या में से हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस करने पर उसके पहले की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, इस क्रम में हम लोग ये समझते हैं। ये दिए इसके क्या करना है, पहले की संख्या लिखना। अभी हम सीखे कि दो या दो से अधिक अंकों की जब संख्या रहती है तो उसके इकाई अंक में से 1 माइनस करते हैं। कितना करते हैं, 1 करते हैं, और क्या करते हैं तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे ये 3 अंकों की संख्या है और इसके इकाई अंक क्या है, 9 है। 9 में से जो है 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। बाकी के जो है इसी तरह से 84, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 8 हुआ है ना। यहाँ पे 750 है तो ये 0 में से 1 माइनस हो गया ना, इसलिए बगल वाले से मतलब 750 इसमें से माइनस 1 करेंगे। ये इसको दिया 10 में से 1 गया था ना, और एक दे दिया था तो 4 का 4 और ये 7 का 7 निकला है ना, तो 749 है ना। इसमें से तो 69 और ये 7 है ना, यहाँ पे इसमें से 1 गया तो 1 हो गया 64, और 2 में से 1 गया तो 1 है ना, 39 और इसमें से 1 गया तो 7 है ना। यहाँ पे ये 300 तो 300 माइनस 1 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये 9 हुआ और ये 2 हुआ। इस तरह से 299। इस तरह से कोई भी नंबर दिया रहेगा जिसके पहले का नंबर लिखना रहेगा तो क्या करेंगे 1 माइनस करके हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट सीख लिए, चलिए इसके आगे का देखते हैं। ये जितने भी नंबर अभी दिया था ये सब के सब पॉजिटिव नंबर है ना, और जब पॉजिटिव नंबर दिया रहता है तो हम लोग उसमें 1 माइनस करके निकालते हैं, है ना। और ऐसा तो नहीं कि नंबर केवल पॉजिटिव ही होता है, जब हम लोग उसमें इंटीजर चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें प्लस और माइनस दोनों वाले नंबर आते हैं। तो जब माइनस वाला नंबर जो रहेगा उस क्रम में भी हम लोग क्या करेंगे तो माइनस ही करेंगे, है ना, और वहाँ से हम लोग निकाल सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 2 है ना, इसके पहले का नंबर, या माइनस 8 है तो इसके पहले का नंबर है ना, माइनस 10 इसके पहले का नंबर, माइनस 3 इसके पहले का नंबर है ना, यहाँ पे माइनस 5 है ना, माइनस 4। तो जब माइनस में कोई भी नंबर रहेगा है ना, इसको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और इसके पहले का नंबर लिखना रहता है तो बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि नंबर आता कहाँ से। जैसे हम लोग नंबर लाइन पढ़ते तो मान लीजिए इस पर कहीं पर कहीं पर 0 होगा, इधर का जो भी रहता है प्लस वाले नंबर रहता है 1 2 3 4 है ना, ये 5 6 इस तरह से डॉट 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 अनंत तक चला जाता है। और अभी हम लोग सीखे कि पहले के नंबर लिखना रहता है उसमें क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं। जैसे ये 4 है तो 4 से पहले 3 है, 4 में 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग पीछे की ओर आते हैं, है ना, या जो नंबर रहता है उसके लेफ्ट साइड का नंबर लिखते हैं। जैसे ये 3 है,
थ्री के पहले के नंबर लिखना है तो माइनस करेंगे कितना वन कर, तो थ्री में से माइनस वन तो टू है और ये है, इसके पहले के नंबर आ गए। या ये जो आता है इसके किधर किस साइड का आता है, तो लेफ्ट साइड का, यह थ्री का राइट हुआ और यह लेफ्ट हुआ, तो यह लेफ्ट साइड वाला आता है। इसी तरह से वन के पहले क्या आएगा, जीरो, और जीरो से पहले जो हम लोग जाते हैं तो किस में चले जाते हैं, माइनस में, तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ये माइनस वाले नंबर है। तो जब वन के पहले हम लोग लिखे हैं तो जीरो आता है, और जीरो से पहले के नंबर बोलेगा लिखने के लिए तो क्या करेंगे, माइनस वन आएगा, क्योंकि ये जीरो के लेफ्ट में क्या है, माइनस वन है। माइनस वन का लेफ्ट में बोलेगा तो माइनस टू, या वो माइनस वन से पहले कौन सा नंबर आएगा तो माइनस टू, क्योंकि उससे पहले वाले, तो इससे पहले तो इधर यही है ना, ये वाले सब है ना, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। या प्रोसेस जो हम लोग सीखे हैं माइनस करना है, मान लो कि ये माइनस वन है तो माइनस वन, इसमें से क्या करना है माइनस, जब तरह का सिंबल रहता है तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना करेंगे तो वन करेंगे। अब देखो ये भी माइनस वाले है, ये भी माइनस वाले, किसी के पास पहले से एक माइनस में है और एक माइनस उसके पास और हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल वन वन टू, तो ये टू हुआ और माइनस दोनों, तो दोनों माइनस वाले हैं, तो इस तरह से ये हुआ, और वन से पहले ये माइनस टू है ना, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे ये टू है, माइनस टू है, और इसके पहले का नंबर निकालना है ना, तो जब पहले के इसमें से क्या करेंगे, वन को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे और कितना करते हैं तो वन करते हैं, है ना। किसी के पास दो रुपया पहले से कर्ज है ना, और एक रुपया और कर्ज ले लिया, तो टोटल कर्ज इसके पास कितना, दो रुपया पहले से और एक रुपया फिर लिया, तो एक रुपया फिर लिया तो टोटल कर्ज कितने हो गया, थ्री, तो थ्री ऐसे इस तरह से माइनस में लिखते हैं, और टू से पहले कौन सा नंबर है, थ्री। लेकिन इस क्रम में होता क्या चाहिए कि यह कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, थ्री के जो भी पहले के नंबर बोलते हैं तो हम लोग माइनस टू लिख लेते हैं, या थ्री ये टू दिया हुआ है तो माइनस वन कर देंगे, जो कि कन्फ्यूजन पैदा कर, तो इसीलिए यह कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तब बनाएंगे। क्योंकि क्या होता है, डिजिट का मान बढ़ता है लेकिन क्या करते हैं उसमें माइनस का सिंबल, जैसे ये थ्री, तो डिजिट का मान बढ़ेगा लेकिन सिंबल क्या चीज करेंगे तो माइनस वाले लगाएंगे, जैसे थ्री है तो यहाँ पे टू है, तो टू में ये माइनस वाला है, इसमें से वन माइनस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो माइनस थ्री हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो नंबर दिया रहता है वो तो प्लस होगा, है ना, एक बढ़ जाएगा, लेकिन सिंबल किस चीज का लगेगा तो माइनस लगेगा, तो ये माइनस में टू है ना, तो इसके पहले का नंबर लिखना है, जो ही पहले का लिखना है तो टू का, तो थ्री मतलब नंबर या अंक जो रहेगा वो बढ़ेगा लेकिन सिंबल माइनस रहे तो माइनस कर लेंगे। इस तरह से भी हम लोग सीख सकते हैं या लिख सकते हैं, या क्या करेंगे इसमें लिखकर माइनस करेंगे, एट है, माइनस एट के पहले का नंबर तो माइनस एट, और इसमें से क्या करना है, एक माइनस करना, तो माइनस हुआ, टोटल क्या हो जाएगा, एट माइनस ये और एक माइनस ये, टोटल माइनस कितने हुआ तो माइनस नाइन, है ना। तो इससे पहले का नंबर क्या हो जाएगा, माइनस नाइन। या ऐसे भी समझ सकते हैं, जो नंबर दिया रहता है उसके आगे वाला नंबर लिखेंगे लेकिन सिंबल कैसे कर लगाएंगे, माइनस का, है ना। जैसे एट के बाद क्या आता है तो नाइन आता है, तो लिख लिए नाइन लेकिन सिंबल क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, लिखते हैं बाद के नंबर लेकिन सिंबल लगाएंगे माइनस का। दस है, दस के पहले क्या आएगा और माइनस में है तो माइनस अलेवन, क्योंकि माइनस दस है, इसमें क्या करना है, एक माइनस करना था, माइनस हुआ, दस को माइनस ये, एक को माइनस ये, कितना हो गया टोटल माइनस अलेवन। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो थ्री और एक फोर, तो माइनस फोर, है ना, फाइव है तो माइनस सिक्स, फोर है तो माइनस फाइव, एक क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और माइनस के सिंबल। इस तरह से हम लोग नेगेटिव नंबर के भी माइनस में निकाल सकते हैं कि उसके पहले की संख्या क्या होगी। आइए कुछ एग्जांपल्स और हम लोग लेते हैं, जैसे माइनस फोर, थ्री, सिक्स, माइनस सेवन, माइनस ये। इस तरह से ये नंबर सब दिया रहेगा, जब इसके पहले के नंबर लिखना रहेगा तो क्या हम लोग करेंगे,
माइनस करेंगे, जैसे ये डीए हुआ तो इसमें एक प्लस करके भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन सिंबल लगाएंगे माइनस का, है ना। तो सिक्स का क्या हो जाएगा सेवन, तो जैसे ये फोर है तो फोर, थ्री का थ्री है, सिक्स है तो सेवन हो जाएगा, और माइनस में तो माइनस कर देंगे। इस तरह से हम लोग माइनस फोर थ्री सिक्स है, एक माइनस करना है तो एक माइनस करेंगे, और ये दोनों क्या होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों क्या होता है जुट जाता है, तो सिक्स और वन सेवन, है ना, और थ्री का थ्री फोर का फोर दोनों माइनस में, इसलिए माइनस का सिंबल लगाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि नंबर जो रहता है वो आगे बढ़ता है ना, लेकिन उसमें क्या होता है माइनस का सिंबल। जैसे ये नंबर जो है ये तो बढ़ा है आगे, लेकिन सिंबल किस चीज़ का लगा है, तो माइनस का लगा है। इस तरह से पहले के नंबर अगर माइनस वाला में लिखना रहता है ना, तो उसमें करते क्या है, नंबर तो लिखते हैं बाद वाले, लेकिन माइनस का सिंबल लगा। जैसे यहाँ पे फाइव सिक्स सेवन, जब फाइव सिक्स सेवन है और माइनस वाले नंबर है, इसके बाद के नंबर लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद के नंबर लिखेंगे। तो यहाँ से देखो, ये फाइव सिक्स सेवन है, तो हम लोग फाइव सिक्स सेवन है तो एट, ये तो नंबर लिख लिए बाद के, और माइनस में है तो माइनस कर दिया, थ्री है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिखेंगे क्या, ये थ्री हंड्रेड है तो थ्री हंड्रेड वन लिखेंगे, थ्री हंड्रेड वन, तो ये तो इसके बाद का नंबर है, लेकिन माइनस करेंगे, माइनस इसलिए करते हैं माइनस थ्री में हंड्रेड में से माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, तीन सौ, ये माइनस और एक माइनस ये, तो टोटल तीन सौ, तो एक माइनस हो जाएगा ना, इसीलिए इस तरह के ये कंडीशन पैदा कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस फोर नाइन और ये नाइन बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव जीरो वन माइनस, और ये क्या हो जाएगा, सिक्स फाइव वन माइनस। इस तरह से कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उसके पहले के नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। कुछ नंबर्स और हम लोग देखते हैं, जैसे वन है, तो वन के पहले क्या आता है, तो जीरो आता है, जीरो के पहले क्या आएगा, तो माइनस वन आएगा, है ना। माइनस टू के पहले क्या आएगा, तो माइनस थ्री आएगा, है ना। टू के पहले क्या आ जाएगा, है ना, तो वन आ जाएगा, है ना। फाइव के पहले क्या आ जाएगा, तो फाइव के पहले क्या आता है, फोर आता है ना। और माइनस फाइव के पहले क्या आ जाएगा, तो माइनस सिक्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने से पहले के समय नंबर लिखना या प्रेडिसेसर जो बोलते हैं वो निकालना हम लोग समझ चुके हैं।